तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम सारे। और आज इस वीडियो में मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड 6 to 9। पिछले वाले पार्ट में मैंने 5 एपिसोड एक्सप्लेन करे थे, पर इस वाले पार्ट में मैं सिर्फ 4 करने वाला हूँ, बिकॉज इस बार के एपिसोड थोड़े ज्यादा लंबे हैं। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इस वजह से मैं थोड़ा छोटा करके बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 6 के स्टार्ट होते ही बीएसजी जो है नाचने लग जाता है, यानी डांस करने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कैरी मिनाटी जो है कुछ पिकलिन से लड़ रहा है। हमें अज्जू भाई, मिथपैट और ड्रैगन सन की कुछ बकलोली देखने को मिलती है। और असली ट्विस्ट तो अब आता है जब सुकून और टेक्नोगेमर्स की हमें फाइट देखने को मिलती है, जिसमें सुकूना जो है बहुत गंदी तरह जो है टेक्नोगेमर्स को मार रहा होता है। और ये तो होगा जब तुम किंग ऑफ कर्स के साथ लड़ोगे, तो भी अपनी कुछ घटिया पावर्स के साथ। सुकूना जो है टेक्नोगेमर्स को पूजा समझ के जो है ना सारी जमीन साफ कर देता है। फिर सुकूना टेक्नोगेमर्स को मारने वाला होता है कि बीच में जो है हमें थॉर देखने को मिल जाता है, और थॉर जो है टेक्नोगेमर्स को बचा लेता है। और फिर सुकूना डोमेन एक्सपेंशन खोल लेता है, जिसको तोड़ने के लिए गोजो सातोरो आता है, और फिर गोजो सातोरो को भी मार देता है वो अपने डोमेन एक्सपेंशन से। क्या कैसे गोजो सुकुना से हार गया? अबे बीएसजी, क्या स्क्रिप्ट लिख दी है? साले ने मंगा का फंगा कर दिया। अबे अबे हमें मराने की साजिश है इसकी। अबे फिर हमें जो है गेंडे वर्सेस ज़ाल्टा की फाइट देखने को मिलती है, जिसमें पहले तो वो गेंडा जो है ज़ाल्टा को मार रहा होता है। फिर क्या था, ज़ाल्टा उसको बहुत गंदी तरह मारता है और उसको पूरा रगड़ देता है, जिसकी वजह से वो गेंडा मारा जाता है। अब डिस्ट्रक्टिव मॉन्स्टर से लोग रहे ये तो होगा ना। फिर हमें काला चमगादड़ वर्सेस ज़ाल्टा की फाइट देखने को मिलती है, जिसमें काला चमगादड़ अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता है, पर ज़ाल्टा जो है इसको आराम से तोड़ देता है। लगा था तुझको इस छिपकली से मार देगा मुझे, बहुत हो गया। फिर ज़ाल्टा जो अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता है, और जिसमें जो है काले चमगादड़ ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता। फिर यहाँ पे हमें एक और बंदे देखने को मिलता है, जिनकी ट्रिगर इंसान अज्जू भाई और मिथपैट से लड़ाई हो रही थी, और ये मुझे देखने में तो एकदम चमगादड़ सा लग रहा था, लाल चमगादड़। अब ये तो होना ही था अगर अज्जू भाई से लड़ रहे हो तो। फिर यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं चमगादड़ के बॉस से, जिसने ड्रैगन सन मिथपैट और अज्जू भाई की बैंड बजा दी थी। फिर हमें पहली दफा इंट्रोड्यूस होती है मास्टर कोयो, जो उसको जो है पहले एक ही हेड में मार देती है। फिर हमें पता लगता है कि सांटो कितना ईविल है, जिसकी एनर्जी से मास्टर कोयो की आवाज और चीख निकल जाती है। और तुम लोग तो जानते हो कि मास्टर कोयो कितनी पावरफुल है, फिर भी उसने उसकी चीख निकाल दी सिर्फ अपनी पावर। इस बार हमें फिर से टेक्नोगेमर्स वर्सेस सुकूना की फाइट देखने को मिलती है, पर इस बार जो है सुकूना टेक्नोगेमर्स के मुंह से सिर्फ खून नहीं निकालता, बल्कि पूरा उसका हाथ ही उखाड़ लेता है। तेरी भैंस की टांग। फिर हम देखते हैं अज्जू भाई खड़े होते हैं, और सामने से एक लड़की भागते हुए आ रही होती है, जिसके पीछे बहुत सारे डीमंस लगे हुए होते हैं। फिर क्या था, अज्जू भाई अपनी पावर दिखा देते हैं। और इस बार मिथपैट ट्रिगर इंसान और अज्जू भाई का सामना होता है बहुत बड़े मॉन्स्टर से, जिसको मारने के लिए ये लोग काफी नहीं थे, इनकी पावर इनको कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और फिर फाइनली एंट्री होती है गारो की, और ये बंदा तुम लोग जानते हो कितना पावरफुल है। और फिर क्या था, उस मॉन्स्टर का तो फिर थोड़ी देर में काम खत्म होना ही था। फिर सुकुना जो है टेक्नोगेमर्स को मारने वाला होता है, कि वहाँ पे एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर बीएसजी की, जो कि आते ही जो है टेक्नोगेमर्स को बचा लेता है। और फिर सुकुना कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से सारे के सारे बीएसजी के दोस्त हैरान रह जाते हैं, इवन के बीएसजी भी हैरान हो जाता है। यस, सुकुना ने जो है सांटो को किडनैप कर लिया था। और फिर क्या था, सांटो अपनी ब्लैक डैगर वाली फॉर्म में आ गया, और उसने जो है पहले स्मोक कर दी, जिससे किसी को नजर ना आए कि क्या हो रहा है उधर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे साइंटो सुकुना के साथ नहीं, सुकुना साइंटो के साथ फंसा है। और एट द एंड हमारा जो विलन हैगा, यानी ज़ाल्टा, वो सबको मार देता है एक एक करके, पहले सांटो। मेरे दोस्त को तूने छीन लिया मुझसे ज़ाल्टा। फिर पीएसजी, अरे क्या ज़ाल्टा, तूने मेन कैरेक्टर को ही मार दिया। अरे फिर टेक्नोगेमर्स, अरे क्या पगलैती चल रही है गधे, यहाँ तक के मास्टर कोयो को भी मार दिया। और फिर लास्ट में थॉर को भी मार दिया। अगर ऐसी वीडियो तुम्हें और चाहिए तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और रिसेंटली बीएसजी जो है एक कमेंट रिपोर्ट डाली थी, जिसमें जो है उसको एक ब्लेंडर एक्सपर्ट की जरूरत है। अगर तुम में से कोई है तो जाके उसकी कमेंट रिपोर्ट में कमेंट कर दो, ताकि हमें जल्दी से जल्दी एपिसोड 25 देखने को मिल जाए। तो मैं तुम लोग से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।